छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 20 जुलाई से शुरू होकर यह सत्र 27 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र में सियासी महाभारत देखने को मिल सकता है। विपक्ष ने सिंहदेव के इस्तीफे, तबादला नीति और वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विधानसभा का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। सत्र के दौरान मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे की गूंज विधानसभा में सुनाई दे सकती है। इस मामले को लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष भी सदन में हंगामा कर सकता है। इसके अलावा भूपेश सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास किसान, खाद, वित्तीय अनियमितताओं के अलावा तबादला जैसे मुद्दे भी हैं। हालांकि विपक्ष के सवालों से बचने की तैयारी तो विभागीय मंत्री कर लेंगे, परंतु खुद के मंत्री के इस्तीफे और चार पन्नों के पत्र का सरकार क्या जवाब देगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मीडिया से चर्चा में कहा कि बीजेपी इस मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार को 3 वर्ष हो चुके हैं और सरकार ने जनता से केवल वादा खिलाफी किया है। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान राज्य में पूर्ण शराबबंदी, किसानों को बोनस, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और रोजगार का वादा किया था, लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। सरकार अब जनता का विश्वास खो चुकी है। कौशिक ने कहा कि आज मुख्य रूप से किसानों को खाद बीज की समस्या है। राज्य में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति है। जिस प्रकार से सरकार चल रही है और संवैधानिक संकट की स्थिति है तथा भ्रष्टाचार है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम विधानसभा के एक एक दिन, एक एक घंटे और एक एक मिनट का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि राज्य में जनहित में जो भी हो सकता है वह सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, उसका जवाब चाहेंगे। उनका कहना था कि जिस प्रकार से लगातार अनाचार की घटनाएं हो रही हैं, नशे के कारोबार और युवा वर्ग नशे का शिकार हो गया है, प्रदेश की जनता कराह रही है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि सारे मुद्दे आए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में छत्तीसगढ़ के विधेयकों का वेतन बढ़ाने संबंधी विधेयक पर चर्चा होगी। यह विधेयक सदन में पेश किया जाएगा। इस विधेयक के जरिए छत्तीसगढ़ के विधायकों का वेतन बढ़ सकता है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में जिन विधेयकों पर चर्चा होगी उनमें छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन और राजीव मितान योजना हेतु उपकर राशि से संबंधित संशोधन विधेयक, छग निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन विधेयक, छग पंचायत उपबंध नियम, छग विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 में संशोधन विधेयक, छग विनियोग विधेयक, छग विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, विधायक एवं सदस्यों के वेतन भत्तों का संशोधन अधिनियम, छग भूजल विधेयक शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। मंत्री टीएस सिंहदेव के पत्र को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि उनको पत्र सार्वजनिक नहीं करना था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करके सभी मुद्दों पर चर्चा करनी थी, विपक्ष को इससे बोलने का मौका मिल गया है। प्रभारी पुनिया ने मीडिया से चर्चा में कहा कि विधायकों का पत्र मिला है। विधायक दल की बैठक में विधायकों ने कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय नेतृत्व को पूरे मामले से अवगत कराऊंगा। उन्होंने कहा कि सत्ता और संगठन के बीच सब कुछ ठीक है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, कोई विवाद की स्थिति नहीं है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बढ़िया काम कर रही है। पार्टी के अंदर सुझाव आते हैं, उस पर निर्णय लिए जाते हैं। निगम मंडल आयोग में जो आते हैं उन्हें संगठन के पद पर नहीं रखने का निर्णय सही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फिलहाल बदलाव की जरूरत नहीं है। पंचायत विभाग से मुक्त करने का पत्र लिखने के बाद अब मंत्री टीएस सिंहदेव केंद्रीय नेताओं के सामने अपना पक्ष रखेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद सिंहदेव सोमवार देर शाम दिल्ली रवाना हो गए। सिंहदेव ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने 20 जुलाई को अहमदाबाद में बैठक का समय तय किया है। वे दिल्ली होकर अहमदाबाद जाने का कार्यक्रम बना चुके थे। वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस्तीफे का पत्र लिखने से 2 दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बात की थी, उनको अपना पक्ष बताया। पत्र लिखने से पहले भी उनको फोन किया था, घंटी बजी लेकिन बात नहीं हो पाई, शायद उनकी कहीं अन्य व्यस्तता थी। पुनिया जी को भी फोन किया था, उसी दिन पीसीसी की बैठक थी तो उनका भी फोन नहीं उठा।
बाद में उन्होंने फोन किया था तब उनको पूरी बात बताई। सिंहदेव ने कहा कि कोई नेता दिल्ली जाता है तो हाईकमान से मिलने का समय मांगता ही है, मैंने भी समय मांगा है, मिलता है तो सभी मुद्दों पर बात होगी। उधर सिंहदेव के विरोधी विधायक भी विधानसभा के मॉनसून सत्र के बाद दिल्ली जाने की तैयारी में है। प्रदेश में ढाई ढाई साल के फार्मूलों को लेकर जब सियासत गर्म हुई थी तब भी करीब 52 विधायक दिल्ली पहुंचे थे। विधायकों ने केंद्रीय संगठन पर मुख्यमंत्री नहीं बदलने का दबाव बनाया था, अब एक बार फिर वही परिस्थिति बनती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद 61 विधायकों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर कर दिल्ली भेजने की तैयारी की है। इसमें जयसिंह अग्रवाल को छोड़कर 10 मंत्रियों के भी हस्ताक्षर है। पत्र में सरकार पर आरोप लगाने वाला सार्वजनिक पत्र लिखने के लिए टीएस सिंहदेव पर कार्रवाई की मांग की गई है। सिंहदेव ने भी अपना पक्ष रखने के लिए हाईकमान से मुलाकात का समय मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। उद्धव ठाकरे को शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले राजनीतिक तौर पर एक और बड़ा झटका लग गया है और इस बार नुकसान देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के निचले सदन लोकसभा में हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों की मांग को खारिज करते हुए शिंदे गुट के सांसद राहुल शिवाले को सदन में शिवसेना नेता के तौर पर मान्यता दे दी है। वहीं भावना गवली पाटिल को चीफ व्हिप के तौर पर बरकरार रखा गया है। लोकसभा सचिवालय ने सदन में शिवसेना नेता बदले जाने को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए यह बताया कि अब सदन में शिवसेना के नेता राहुल शिवाले होंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को शिंदे गुट के 12 लोकसभा सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर राहुल शिवाले को नया नेता चुनने की जानकारी देते हुए उनसे नए नेता को सदन में शिवसेना के नेता के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया था। बता दें कि वर्तमान में लोकसभा में शिवसेना के कुल 19 सांसद हैं और इनमें से 12 सांसदों ने महाराष्ट्र के मुंबई दक्षिण मध्य से लोकसभा सांसद राहुल शिवाले को सदन में अपना नया नेता चुना है। लोकसभा सचिवालय सूत्रों के मुताबिक बहुमत के आधार पर ही नेता का चयन होता है। इस पैमाने के आधार पर ही 19 में से 12 सांसदों की मांग को स्पीकर ने मंजूर कर लिया। आदेश में सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक हलफनामे और हाल में पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच विवाद में बहुमत के आधार पर किए गए फैसले की भी नजीर दी गई। वहीं शिवसेना की बागी विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस बीच उद्धव सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि शिवसेना से अलग हुए 16 विधायकों को अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोग्य लोगों को इस तरह लंबे समय तक नहीं रहने देना चाहिए। इसके जवाब में एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से हरीश सालवे ने पक्ष रखा। गौरतलब है कि संसद में एकनाथ शिंदे गुट को मान्यता मिल चुकी है। सुनवाई के एक दिन पहले मंगलवार को 19 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल शिवाले को शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दे दी है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने याचिका दायर कर एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है इसके बाद ही शिवसेना की लड़ाई में एक नया मोड़ आएगा। शिंदे गुट की दलील है कि उनके पास शिवसेना के 2/3 विधायक है और अब 12 सांसद भी उनके पाले में हैं, लिहाजा असली शिवसेना उनकी है। हालांकि शिंदे गुट की दलीलों को उद्धव ठाकरे गुट के नेता खारिज कर रहे हैं। रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।